हेलो स्टूडेंट्स, जो यार काफी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट प्रोसेस एंड अदर फिजिकली होता है, लेकिन ड्यू टू हमारा इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसको हम दीपावली बोलते हैं, जनरल भाषा के अंदर बहुत सारे जगह इसको दिवाली भी बोला जाता है, तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर हॉलीडेज डिक्लेयर कर दिए गए हैं फ्रॉम द 23 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर, यानी कि 23 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के अंदर हॉलीडेज है, छुट्टियां हैं, तो वहां पे जो है आपका सारा का सारा प्रोसेस बंद रहेगा, आपकी हेल्पलाइन नंबर बंद रहेगा, आपका ईमेल आईडी एंड सारा टोटल जो भी प्रोसेस है आपका जो ऑनलाइन पोर्टल विंडो के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि आपका जो भी प्रोसेस है वो या तो आप 22 तक या फिर 27 के बाद प्रोसेस करें। हालांकि आपको एक्सटेंड दिया गया है, स्पेशली मैं बात करूं जैसे हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जैसे कि आप लोग 22 एंड बाद उसके बाद में जो है 28 से आप अपना जो भी सारा प्रोसेस है कर सकते हैं। हालांकि जो अभी जो राउंड डिक्लेयर किया गया उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम आई थिंक 29 अक्टूबर तक का दिया गया है, तो जितने भी बच्चे हैं इस बात का ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे दीपावली के चक्कर में हो सकता है चले जाए कॉलेज में कि भैया एडमिशन हो गया, भाई भाई एडमिशन हो गया, चले जाते हैं एडमिशन करा के आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी इज द प्रेस्टिजियस कॉलेज इन इंडिया एंड काफी सारे बच्चों का अगर मैं रिव्यू फीडबैक की अगर मैं बात करूँ, आरओआई रेशियो की अगर मैं बात करूँ एंड वहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे ऑलमोस्ट ब्लॉगर बन जाते हैं। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो ब्लॉगर पाए जाते हैं ना वो उत्तराखंड के अंदर ही है एंड वहाँ पे आई थिंक एक फेमस ब्लॉगर है कोई क्या नाम है उसका, सौरभ जोशी ब्लॉग ऐसे कुछ बताया जाता है एंड मेनी मेनी ब्लॉगर्स आर फ्रॉम द सेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तो हो सकता है आप भी वहां पे एडमिशन लेके उनके साथ फेमस हो सकते हैं, तो जरूर आप लोग ट्राई करिए। लेकिन यूनिवर्सिटियों की तरफ से एक और बड़ी अपडेट ये आई है, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि इंस्टा पे मुजरा करके फेमस हो चुके हैं, उनके मिलियंस में व्यूज सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इंस्टाग्राम पे जो लड़कियां व्लॉग्स बनाती है जस्ट लाइक रील्स बनाती है ठीक है कच्चा बादाम एंड अदर, या फिर कोई भी व्लॉगिंग अगर करता है और अगर उन्होंने कोई अच्छा माइलस्टोन अचीव कर लिया है तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आप चाहे कितने ही बड़े इन्फ्लुएंशियर हो आपको उसका कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में बेनिफिट नहीं है। अगर आपके पास NSS, NCC, स्पोर्ट्स एंड इस एक्टिविटीज के अंदर आपके पास कोई सर्टिफिकेट कुछ है देन यू आर एप्लीकेबल, वरना आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी इंस्टा पर रील बनाते हैं जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं अच्छे अच्छे कॉलेजों में, उनकी लंका लग चुकी है राइट। सो जस्ट आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा होना चाहिए वैसे यार, वैसे यूट्यूबर बनना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार ठीक है।